की बात करें, लेकिन बैस जी मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पर समझना चाहूंगी। लाडली बहना योजना का शिवराज सिंह चौहान ने खूब प्रचार किया और उन्हें विश्वास भी है, कहा भी उन्होंने मैहर में जाकर कि हमें बहुत महिलाओं का समर्थन मिला है। क्या आप वाकई देख रहे हैं कि वो पूरा चुनाव पलटने का मादा उस योजना में रहा? देखिए, जहाँ तक लाडली बहना की बात है तो उसको पूरी तरह से समझना पड़ेगा जमीन में जाकर। चूंकि मैंने लगभग 50 विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया है, बहुत बारीकी से देखा है। मध्य प्रदेश में 1,31,00,000 लाडली बहना है। इसमें से 50% महिलाएं ऐसी हैं जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट देती आई हैं। तो 50% आप निकाल दीजिए तो 90 और उसमें से 74% महिलाओं ने वोट दिया है, यानी 96 लाख महिलाओं ने वोट दिया है। उसमें से 50% महिलाएं ऐसी हैं कि जिन्होंने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट देती आई हैं। तो आपके पास बचे 48 लाख। 48 लाख में ये मान के चलिए कि 50% महिलाएं ऐसी हैं जो हमेशा से, उनको 1250 नहीं 12050 भी दीजिए तो वो कांग्रेस को ही वोट करती आई हैं। तो आपके पास बचे 24 लाख। अब 24 लाख में से 4 से 5 लाख, 6 लाख में मुस्लिम महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो हमेशा हाथी पर ही सवार रहती हैं, बहुजन को ही उनकी वोट जाती है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो गोंडवाना को वोट जाती हैं। तो कुल मिला के जो लाडली बहना का आंकड़ा बचता है वो बचता है 18 लाख। और 18 लाख को आप 230 विधानसभा में बांट दीजिए तो मेरी समझ में ये है कि मेरा जो अनुमान है, जो मैंने देखा है, कि एक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना का केवल 7,000 वोटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। ये एक बात हो गई लाडली बहना। इसके बाद जब हम जाएंगे, इस चुनाव में देखा हमने कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक मुद्दा था, लाडली बहना, जबकि जो युवा वर्ग है वो इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था। कर्मचारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं था। किसानों को कर्ज माफी दिख रही थी, उनको बिजली का बिल माफी दिख रहा था। इसकी पुष्टि भी की हमने, जो बैंकों में जब हमने बात की तो जो उनका ब्याज का पैसा है, चाहे सहकारी बैंक हों चाहे स्टेट बैंक हों, वहाँ पर उनका पैसा पहुँच गया ब्याज का। किसानों के पास, उनके पास फोन भी गए कि आप ब्याज का पैसा आ गया, मूलधन जमा कर दीजिए तो आपका आपको एनओसी मिल जाएगी। तो किसान इसलिए नहीं गए, किसानों का ये कहना था कि हमारा तो कांग्रेस सरकार आ रही है, हमारा तो कर्ज माफ हो जाएगा। जी, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि लाडली बहना योजना का सर किसान कर्ज माफी से तोड़ ढूंढ पाए कांग्रेस ही, या इसी उम्मीद में रहे कि एंटी इनकम्बेंसी क्या पता हमारे फेवर में चली जाएगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि मध्य प्रदेश जो है ना, इसको पहले अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मध्य प्रदेश समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश जो बना है वो 4-5 हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें सब जो आपने लाडली बहना का जिक्र किया, लाडली बहना एक तरह से चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक है ये। अब ये मास्टर स्ट्रोक जो है, ये बाउंड्री पे कैच होता है या सिक्सर लगता है, ये आपको 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। मगर ये वो जिस हिसाब से महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है या महिलाओं ने जितनी तादाद में वोटिंग करी है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका असर है। और ये असर की अगर बात करूं तो मेरी जो 1-to-1 कई कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बात हुई, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि 2.5% से लेकर के 5% तक हमारे क्षेत्र में इसने हमारा गणित बिगाड़ दिया काफ़ी। तो ये स्थिति निकल के आई है कई इलाकों में, और बहुत बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का। जितने भी सर्वे आ रहे हैं उन सब सर्वे में अधिकांश लोग बात करते हैं जेंट्स से कि भाई क्या माहौल है, क्या है, पर जो महिला घर का कामकाज करती है उसका तो कहीं कुछ जिक्र कहीं दिखाया ही नहीं जाता, या उसका कोई किसी ने वोटिंग के बाद ये दिखाया ही नहीं कि उन्होंने कहाँ वोट किया या क्या किया। तो ये बहुत बड़ा ये है, और आप देखिए क्या कि जब रिजल्ट आएंगे तो बड़े चौंकाने वाले रहेंगे जी। और दोनों ही दलों के कई जो दिग्गज हैं वो आपको मिलेगा कि धराशायी हो गए अपने अपने क्षेत्र में जी। अक्षय जी, महिला मतदाताओं को तो हर कोई लुभाना चाहता है, लेकिन महिला प्रत्याशियों की संख्या हर पार्टी में कम ही देखने को मिलती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जितने क्षेत्रों में मैं घूमी, भले ही लाडली बहना योजना का असर दिख रहा हो, लेकिन युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनमें नाराजगी थी चुनावी रेवड़ियों को लेकर। क्या आपने भी वो ट्रेंड देखा, या अभी तक पार्टी उसको नब्ज को नहीं पकड़ना चाह रही है, छूना नहीं चाह रही है? निश्चित रूप से ये मुद्दा भी दोनों ही पार्टियों के प्रमुख चिंतकों के नज़र में होगा ही कि नव युवा वोटर जो हैं वो इस बार जो वोट करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव ये देखा है, और उस पूरे जीवन काल में उन्होंने भाजपा की ही सरकार देखी है।
तो उनके लिए ये एक पहला मौका होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के जो कार्यकाल है उस पर वो अपना निर्णय किस रूप में देते हैं, अगर वो उससे संतुष्ट होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोट जाएगा। लेकिन अभी जो आपने अन्य संपादकों के साथ में बातचीत करी महिला वोटर और लाडली बहना योजना के संबंध में, तो इस बार जो वोटिंग हम सभी लोग जानते हैं कि अभी तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक वोटिंग हुई है, लगभग 77.15% वोट इस बार हुआ है, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है, और इसमें महिला वोटर्स की सबसे बड़ी संख्या है, पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार वोट हुआ है। उन्होंने वो डिसाइसिव वोट होगा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना के माध्यम से जो घोषणा करी थी वो किस कितनी वो महिला वोटर्स के को वो उसके बारे में कन्विंस कर पाए हैं, उनको सहमत कर पाए हैं, ये हम 3 तारीख को देखेंगे। लेकिन एक बड़ी नेल वाइटिंग फिनिश की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम किसी को भी इस समय कोई आंकड़ा देने की स्थिति में कोई भी नहीं होगा, लेकिन एक बहुत रोचक चुनाव परिणाम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जी।